Dear students, welcome in the lecture series on chemical bonding. And this is the part 8b where we will discuss about the three postulates or three rules that are 3, 4 and 5 of Weber theory. In the previous lecture, we had discussed about the one and second postulate of the Weber theory where we had correlated the geometry of the molecule with the lone pair of electrons. Okay. तो प्यारे बच्चों आपका स्वागत है इस लेक्चर सीरीज में जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में और ये जो लेक्चर है ये पार्ट 8b है जहां पर आप वेस्पर थ्योरी के तीन रूल्स 3, 4 और 5 डिस्कस करेंगे. आपको इससे पता चलेगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डबल बॉन्ड ऑन द बॉन्ड एंगल. आपको ये पता चलेगा लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बॉन्ड एंगल. तो आपको क्या पता चलेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट, विद्युत ऋणात्मकता का क्या इफेक्ट होती है बॉन्ड एंगल में, या फिर डबल बॉन्ड का क्या इफेक्ट होता है बॉन्ड एंगल में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो विन्यास होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है बॉन्ड एंगल्स पर. ओके, नाउ कम टू द रूल 3. रूल 3 इज रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन द बॉन्ड एंगल. और ये मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने आपसे कहा भी था कि ये जो डिस्कशन है हम कहां पर करेंगे, वेस्पर थ्योरी में करेंगे जहां पर हम देखेंगे कि हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफेक्ट्स द बॉन्ड एंगल्स ऑफ अ मॉलिक्यूल. ओके, सो इफ वी आर this working with a kind of molecule that is having BAB bond angle, then this bond angle will decrease with increase in the electronegativity of B atom in AB molecule. Okay, so I am giving you example after this slide. And why this occurs? What is the reason behind this? That as the electronegativity of these atoms, these are the surrounding atoms or outer atoms, A is the central atom. So as the this electronegativity of these two atoms, it increases, the bond angle will decrease. So this can be explained with the help of an example. लेट्स सी द एग्जाम्पल. अब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखिए सराउंडिंग एटम, यहाँ पर फ्लोरीन है तो बॉन्ड एंगल कितना है 97.7. जब ये क्लोरीन है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हुई तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया, देखिए 100 हो गया. एंड एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेन डिक्रीज, बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज. एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, द बॉन्ड एंगल विल अगेन इंक्रीज. सो आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टू एग्जाम्पल्स. सो आई एम ड्रॉइंग दी स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री ऑफ दिस ट्राईफ्लोरोफॉस्फीन. ओके, and you will see there is one lone pair of electrons so that the geometry become pyramidal. Okay, so the geometry of each molecule will be pyramidal. The difference is the electronegativity of the surrounding atom. Okay, so you can see in this way. Now the question arises that the lone pair of electron is present in the sp3 hybridized orbital in both the molecules. Now see the bond pair of electron. So in case of this fluorine atom, because the fluorine atom is having more electronegativity, the bond pair of electron will shifted towards this fluorine atom. This is the bond pair of electron. Okay, so this bond pair of electron will shifted towards the fluorine atom because of high electronegativity of this fluorine atom. तो क्या होगा कि ये जो यहाँ पर जो bond pair of electron है वो fluorine की ओर चला जाएगा, क्योंकि fluorine की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, अधिक है. अगर हम कंपेयर करें इसे इस Pi3 मॉलिक्यूल से, जहां पर आप देखेंगे I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो बॉन्ड पेयर कहां पर रहेगा, बॉन्ड पेयर विल रिमेन आइदर इन बिटवीन द P एंड I बॉन्ड्स और इट कैन बी टुवर्ड्स द P एटम.
इसमें क्या होगा कि आई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो लगभग पी और आई के बीच में हो सकता है इन कंपैरिजन टू पीएफ3। ओके, अब आप देखिए कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डिस्टेंस कहां पर कम है। यू कैन सी हेयर इन केस ऑफ पीआई3 द डिस्टेंस बिटवीन दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस इन केस ऑफ पीआई3 एज कंपेयर टू दिस पीएफ3। यू कैन सी दैट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर टूवर्ड्स द फ्लोरिन एटम, so the distance between these bond pair of electron will increase and thus the repulsion in between these two bond pairs will be less as compared to these electron pairs। आप देख सकते हैं कि pi3 में ये electron pairs नजदीक हैं, दूर नहीं है, तो यहां पर repulsion अधिक होगा। और अगर हम pf3 का केस देखेंगे तो pf3 के केस में ये जो electron pair है इनके बीच में repulsion कम होगा, so that the bond angle इन PF3 विल डिक्रीज। ये जो बॉन्ड एंगल है ये कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर इस जगह पर मोर रिपल्शन है, रिपल्शन ज्यादा है। क्यों रिपल्शन ज्यादा है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक दूसरे के नजदीक है, दे आर नियर टू ईच अदर, सो दे विल रिपेल ईच अदर एंड ड्यू टू दिस रिपल्शन दिस बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज, सो दैट द बॉन्ड एंगल विल बिकम 102 इन केस ऑफ PI3 व्हाइल दिस बॉन्ड एंगल इज 97.7 डिग्री इन केस ऑफ PF3। सो आई थिंक यू कैन understand now better that how electronegativity of surrounding atoms, देखिए central atom तो same है but the surrounding atom is different, so how the surrounding atoms electronegativity affects the bond angle in a covalently bonded molecule, this can be explained better with the help of rule 3। okay, now in the second example again you can see again here यहां पर भी आप देखेंगे कि द ज्योमेट्री इज पिरामिडल, ज्योमेट्री इज पिरामिडल एंड देयर इज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन एंड इफ वी कंपेयर इट विथ AsCl3 देन वी विल फाइंड दैट इन केस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज सराउंडिंग एटम द इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल शिफ्ट टूवर्ड्स द क्लोरीन एटम सो दैट लेस repulsion will here and less bonding will in case of the molecule having Cl as the surrounding atom. Okay, so now you can understand better that if the electronegativity of surrounding atoms in decreases the bond angle will increase. So this is the gist and you can say that this is the rule, third rule for the Wesper theory which can predict the bond difference in the bond angle in these kind of molecules. Now we can take the another examples of different molecules where you will find that in this case there are three proline atoms, in this case there are two fluorine and one OH group, in this case two fluorine and one PH3 and in this case two fluorine and one NME3, and you will find that as we go from up to down the electropositive nature of one of the substituent will decrease, electronegativity will decrease, so electropositivity will increase. So let's explain their bond angles. So in case of BF3, if we see the BF3 case, then we will find that the electronegativity of each atom is same. ओके तीनों एफ हैं तो तीनों की जो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम होगी। अब अगर हम बात करेंगे इस मॉलिक्यूल की जहां पर NME3 है, जहां पर जो थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप क्या है बच्चों, एक जगह तो ये थर्ड ग्रुप F था और दूसरी जगह ये थर्ड ग्रुप क्या था NME3, सो देयर इज द डिफरेंस। ओके द अदर थिंग्स आर सिमिलर, सो दिस NME3 ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन डोनर टाइप मॉलिक्यूल, इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड यू कैन से दैट इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर to the boron center, while this F is more electronegative. So we know that as the electronegativity of surrounding atoms increases, the bond angle will decrease. Okay, so here you can see that this molecule is less electronegative. So due to its less electronegativity, okay, the bond angle, this bond angle will, क्या होगा? यहाँ पर this is
less electronegative, so bond angle will increase. So this bond angle will increase. Okay, so if this bond angle will increase, this bond angle will decrease. Okay, so in this way we can say that as the electronegativity of surrounding atom decreases, here in these cases the bond angle of BF, FBF will decrease. आप देख सकते हैं कि जो एफ बी एफ बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज होगा. क्यों? ड्यू टू दिस ग्रुप. दिस ग्रुप इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो हेयर द बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज. एंड इफ दिस बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज, दीज टू बॉन्ड एंगल्स इंक्रीज, दिस विल डिक्रीज. ओके, तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन द बॉन्ड एंगल. सो दिस इज रूल थर्ड, वेयर वी आर डिस्कसिंग द एग्जाम्पल्स वेयर ओनली द सराउंडिंग एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट. ओके, सो नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल्स वेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूल्स सेंट्रल मेटल एटम. ओके, अब मैं वो एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर रही हूँ जहां पर सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा. नाउ यू कैन सी टू एग्जाम्पल्स, आप दो एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, एक NF3 है और एक NH3. अच्छा, यहां पर भी सेम एग्जाम्पल, हम यहां पर भी हम सेम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं. एक्चुअली यहां पर भी सराउंडिंग एटम्स आप देख सकते हैं डिफरेंट है, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, H की कम है. सो ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ F, द बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज. सो दिस इज द केस ऑफ सराउंडिंग एटम्स ओनली. वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अगेन द सेम काइंड ऑफ रीजन. Because of the more electronegativity of fluorine atom, the bond pair of electron will shift towards the fluorine atom, so that the repulsion between these bond pair will decrease, while in case of NH, these bond pairs, they are in between the N and H, so more repulsion here the bond angle will be higher. Now I will discuss the examples where the electronegativity of central metal atom will change. Okay, the surrounding atoms will remain the same. Here is the case where you will find that you can see that the surrounding atoms, they are H, hydrogen atoms in both the molecules, but the central atoms electronegativity changed. Okay, so as the electronegativity of central atom increases, the bond angle will also increase. Okay, there you had studied that as the electronegativity of the surrounding atoms increases, the bond angle will decrease. But here, if the electronegativity of the central atom increases, the bond angle will also increase. Let's see with the help of an example. Okay, so I will show you how this occur. Okay, now this is the water molecule. Both have the same kind of geometry because of the presence of two lone pair of electrons. So in case of H2O as well as in case of H2S, both have bent type of geometry due to presence of two lone pair of electrons. Both have sp3 hybridization, but you can see the difference in their bond angles. So what is the reason of this? Okay, so this is the reason behind this is the electronegativity of central atom. So as you know that oxygen is more electronegative as compared to sulfur, the lone pair of electron will shift more towards this oxygen atom. Then in case of H2S, it may be present in between the S and H bond. Now you can see that the bond pair distance is more in case of H2S as compared to this water molecule. So here in this case, in case of H2O, more repulsion will occur in between these two bond pairs, so that the bond angle will increase to 105 degree, and here the bond angle is 92 degree.
ओके होता क्या है बच्चों कि ये जो H2O है, H2O में जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है सल्फर से, तो इसलिए जो यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर जो बीच में होना चाहिए था वो किसकी ओर चला जाएगा, ऑक्सीजन की ओर, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। सल्फर के केस में ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये सल्फर से दूर होगा, इसलिए आप देख सकते हैं कि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच की डिस्टेंस कम है। यहां पर जो H2O मॉलिक्यूल है वहां पर बॉन्ड पेयर के बीच की डिस्टेंस क्या है, कम है। सो यहां पर आप देखेंगे ज्यादा प्रतिकर्षण होगा और यहां पर कम प्रतिकर्षण होगा, तो इस कम प्रतिकर्षण की वजह से यहां पर बॉन्ड एंगल कम होगा, यहां पर बॉन्ड एंगल अधिक होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो दिस इज द रूल थर्ड ऑफ वेस्पर थ्योरी। नाउ कम टू द रूल फोर। ओके नाउ आई एम डिस्कसिंग द रूल फोर और पोस्टुलेट फोर ऑफ वेस्पर थ्योरी एंड हेयर द बॉन्ड एंगल ऑफ द मॉलिक्यूल इज को रिलेटेड विद द डबल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। ओके सो बॉन्ड एंगल्स इन्वॉल्विंग मल्टीपल बॉन्ड्स आर लार्जर एज कम्पेयर टू दोज इन्वॉल्विंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि जहां पर भी मल्टीपल बॉन्ड होगा वहां पर बॉन्ड एंगल अधिक होगा, बजाय जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा। अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड होगा तो वहां पर बॉन्ड एंगल कम होगा, जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहां पर बॉन्ड एंगल अधिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर देख रहे हैं कि ये देखिए यहां पर कार्बन को अगर हम देखेंगे तो कार्बन के ऊपर क्या है, देखिए सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 सिग्मा बॉन्ड। ओके सो दिस कार्बन इज having 3 sigma bonds. So if there are 3 sigma bonds, then 3 orbitals will participate. Okay. If 3 orbitals participate, then the hybridization will sp2, 1s and 2p, 3 orbitals will participate in bonding. So hybridization kya hoga? Carbon ke upar sp2 hoga. So if the hybridization is sp2, then the bond angle should be 120 degree. Bond angle kya hone chahiye? 120 degree hone chahiye. Jaisa BF3 में होता है बच्चों, BF3 में क्या होता है कि ये जो बॉन्ड एंगल है कितना होता है, 120 डिग्री। ओके अब आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो बॉन्ड एंगल है, देखिए जो FCO बॉन्ड एंगल है 126 है, ये 126 हो गया जबकि इसे कितना होना चाहिए था, 120। तो हमने यही कहा कि अगर कहीं पर डबल बॉन्ड इन्वॉल्व होता है तो वहां पर बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है। इस कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इट शुड बी 120, बट इट इज एक्चुअली 126 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस डबल बॉन्ड, एंड दिस बॉन्ड एंगल इन FCF बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज व्हाइल FCO बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज। तो ऐसा क्यों होता है, आई विल एक्सप्लेन यू। हम कंपेयर भी करेंगे कुछ एग्जांपल थोड़ी देर में। अभी हम ये मैं आपको बता रही हूं कि जैसे हमने ये एग्जांपल पढ़ा डबल बॉन्ड O, अब आप मुझे ये बताइए कि यहां पर कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, कितने बॉन्ड पेयर्स हैं बच्चों। देखिए एक बॉन्ड पेयर तो यहां पर है, एक बॉन्ड पेयर CF बॉन्ड है। ओके और यहां पर कितने बॉन्ड पेयर है, यहां पर 1 बॉन्ड पेयर है। ओके CF बॉन्ड, यहां पर 1 बॉन्ड पेयर है, यहां पर कितने बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर्स। ओके 2 बॉन्ड पेयर्स का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो जहां पर भी डबल बॉन्ड होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। और ये जो बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ ये कितनी होगी, बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्टर होगी। ओके शॉर्टर देन दी सिंगल बॉन्ड, शॉर्टर देन दी सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड से ये क्या होगी, शॉर्टर होगी। तो अब आप ये सोचिए कि ये जो डबल बॉन्ड है जहां पर शॉर्ट बॉन्ड लेंथ है एंड कितने इलेक्ट्रॉन एक्जिस्ट कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। ओके सो छोटी सी जगह में 4 इलेक्ट्रॉन। अब आप सोचिए इन द लेस स्पेस देर आर 4 इलेक्ट्रॉन, सो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट देयर आर द चांसेस ऑफ वेरी हाई रिपल्शन एज कम्पेयर टू दी 1 बॉन्ड पेयर। अगर हम देखें कि यहां पर डबल बॉन्ड है यानी यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं छोटी सी जगह में, तो यहां पर रिपल्शन अधिक होगा और यहां पर रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब है कि जब डबल बॉन्ड की हम बात करेंगे तो यहां पर इट रिक्वायर मोर स्पेस, क्योंकि यहां पर क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा, सो इट रिक्वायर मोर स्पेस। तो अगर हम डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो इट रिक्वायर मोर स्पेस
और आपने देखा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं दे ऑल्सो रिक्वायर मोर स्पेस, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी मोर स्पेस चाहिए और डबल बॉन्ड ऑल्सो रिक्वायर्ड मोर स्पेस. ओके, सो यू हैड सीन दैट दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेज द इंक्रीज इन द बॉन्ड एंगल्स, सो हेयर ऑल्सो इट विल रिक्वायर मोर स्पेस. सो दिस डबल बॉन्ड, यू कैन से दिस बॉन्ड पेयर विल रिपेल दिस बॉन्ड पेयर इन अ हाई अमाउंट एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड पेयर एंड दिस बॉन्ड पेयर, सो दैट दिस बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज. आप ये देखेंगे कि ये जो बॉन्ड पेयर है और ये जो बॉन्ड पेयर है इनके बीच में रिपल्शन अधिक होगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड को रहने के लिए अधिक स्पेस चाहिए. तो इस रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल था, ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, इट विल इंक्रीज. ओके, और ये जो बॉन्ड एंगल है इट विल डिक्रीज, तो ये वाला बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड है. तो यही पोस्टुलेट है कि इफ एट द प्लेस वेयर देयर इज अ डबल बॉन्ड द बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज. नाउ आई विल शो, सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो जहां पर मल्टीपल बॉन्ड होंगे वहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी अरेंज किया जा सकता है. हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि लोन पेयर और डबल बॉन्ड एक तरीके से एक्ट करते हैं, दे रिक्वायर मोर स्पेस. तो जहां पर लोन पेयर स्ट्रक्चर में होगा वहीं पर कौन चला जाएगा, डबल बॉन्ड चला जाएगा. तो बहुत इजी है हमें ज्योमेट्री बनाना किसी भी मॉलिक्यूल की जहां पर डबल बॉन्ड हो. इफ यू नो द पोजिशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल देन वी कैन इजिली ड्रॉ द ज्योमेट्री ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल विद डबल bonds. Okay, because it also requires more space similar in the similar way as that of lone pair of electron. Now come to these examples. Okay, so see this example SF4, and you know that there is one lone pair of electron in the SF4, and where, sorry, this will be the single bond. Okay, this is the single bond, not the double bond. Okay, now you can see that this lone pair of electron is present at the equatorial position. ये कहां पर प्रेजेंट है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर प्रेजेंट है. तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर ये प्रेजेंट है, क्यों, बिकॉज इट इज गिविंग हायर स्टेबिलिटी टू SF4 मॉलिक्यूल. एंड आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ वी कैन सजेस्ट द स्टेबल ज्योमेट्री फॉर द मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड देयर वी हैड फाइंड दैट इन केस ऑफ ट्राइगनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री द लोन पेयर एक्वायर्स द इक्वेटोरियल पोजीशन. सो इफ द लोन पेयर एक्वायर्स इक्वेटोरियल पोजीशन देन द डबल बॉन्ड विल ऑल्सो एक्वायर the lone pair's position, equatorial position. So if we know the geometry of SF4, then we can easily draw the geometry of SOF4, because in the place of this lone pair of electron we can put this double bonded oxygen easily. Okay, likewise if we know the structure geometry of XeF2, as we know that the three lone pairs they are present at the equatorial position of the XeF2, so the three double bonds with oxygen in XeO3F2 will come to these lone pair इलेक्ट्रॉन्स स्पेस. ओके, तो आप ये देखेंगे कि जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है वो कहां पर आ जाएगी, जहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि डबल बॉन्ड किसकी तरह एक्ट कर रहा था, लोन पेयर की तरह. लोन पेयर में भी रिपल्शन अधिक है और डबल बॉन्ड में भी की वजह से भी रिपल्शन अधिक होता है, इसलिए ये जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है इट विल टेक द प्लेस ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट वी कैन इजिली शो द ज्योमेट्री ऑफ दीज काइंड ऑफ molecules which are having double bonds. Again the example of rule 4, where you will find that this double bond O and lone pair of electrons, they are arranged at the opposite sides because of their more space nature. They require more space, so they placed trans to each other. Okay, so as we know that in case of octahedral geometry the axial positions are the positions where the lone pair of electron occur. It's the axial position. So as the lone pair of electron, it prefers the axial position for a stable octahedral compound, this double bond will also go to the axial position, because double bond acts as lone pair of electron and both require very
that both require more space as compared to the bond pair of electrons. So they prefer the positions which are opposite to each other, and the axial position in the octahedral compound where you will find this more stable structure. While in case of trigonal bipyramidal geometry, this double bond and this lone pair of electron, they goes to the equatorial position, while in case of octahedral complexes, they goes to the axial positions. To the rule 5 of Vesper theory. अब हम डिस्कस करेंगे रूल 5 को, और बहुत इजी रूल अगर हम इसे देखेंगे तो क्या कहता है ये रूल. रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन फिल्ड शेल्स आर लार्जर देन द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द इनकम्प्लीटली फिल्ड शेल्स. ओके, नाउ आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. इन केस ऑफ H2O यू विल फाइंड दिस ऑक्सीजन, its electronic configuration after formation of this H2O molecule, its configuration will become 2s2p6. okay, so it is completely filled after formation of H2 molecule, and in case of this H2, it is again it also becomes 1s2 after bond formation. Okay, but in case of this S, you will find that the configuration will become 3s2 3p6, and it also has 3d orbitals which are empty now. Okay, so you can see the difference in between these two molecules, that in case of oxygen the valence shell orbitals, they are filled. In case of S orbital, they are not filled. There are 5 empty d orbitals. Total 9 orbitals are there, 1s, 3p and 5d. So among these 9 orbitals, only 4 orbitals are filled, while in case of O2, oxygen, 4 orbitals, all the 4 orbitals, they are filled. Okay, so according to this rule, the electron pairs present in filled orbital, they feel more repulsion as compared to the electrons that are present in incompletely filled shells. Okay, तो आपने ये देखा कि जहां पर completely filled orbitals होंगे वहां पर repulsion अधिक होगा, जहां पर incompletely filled orbitals होंगे वहां पर repulsion कम होगा. तो अगर repulsion कम होगा तो bond angle भी क्या होगा, कम होगा. इसलिए H2S का bond angle कम होता है और H2O का जो एंगल है, बॉन्ड एंगल, वो अधिक होता है. तो हम इसको यहां से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. एंड दूसरा एक्सप्लेनेशन हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी सेंट्रल एटम की, तो क्या आप देखेंगे बॉन्ड एंगल विल आल्सो इंक्रीज. विल डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी. सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी? We can see that this theory is not able to explain the shapes of isoelectronic species. So electronic species like IF7 and TEF7-, both the species are having 56 electrons. Okay, both having 56 electrons, but their the distance in between I and F is different. Okay, between TEF and IF is different, but according to Vesper theory, both are having pentagonal bipyramidal geometry, but X-ray diffraction shows that their bond distances, they are entirely different. Okay, so for such kind of molecules, the Vesper theory cannot explain geometry. इस तरीके के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो वेस्पर थ्योरी वो नहीं बता पाई, क्योंकि जैसे IF7 है और TEF7- है, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 56 होते हैं. अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी इनकी जो ज्योमेट्री है वो है पेंटागनल बाइपिरामिडल, लेकिन एक्सरे डिफ्रैक्शन से ये पता चला कि इनमें जो आई और एफ के बीच में और टीई और एफ के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो सेम नहीं होती है. जो लिमिटेशन है इसकी वो क्या है, द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी. सो पाई बॉन्डिंग जो होती है, जो डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल्स में, उसको हम इस वेस्पर थ्योरी से नहीं बता सकते. और तीसरा लिमिटेशन इज दैट
we cannot predict the shapes of certain transition metal complexes with the help of this Vesper theory. तो जो तीसरा जो limitation है वो ये है कि इस theory की help से हम transition metal complexes की shape को predict नहीं कर सकते. So these are some limitations. तो limitations जब होती हैं तो फिर कोई दूसरी theory आती है क्योंकि जो उस problem को solve करती है. तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे Vesper theory helpful है different molecules की geometry को एक्सप्लेन करने में, बट देर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ कोर्स. एक दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर उसका हेड होता है तो ट्रेल भी होता है. तो इसलिए जो है वो एक एक उसका एडवांटेज होगा, एक उसका लिमिटेशन होगा. बट मोस्ट ऑफ द केसेस हमने इसके एडवांटेज को ज्यादा देखा. सी सम एग्जांपल्स ऑफ स्पेशल केसेस ऑफ बॉन्ड एंगल्स. अब हम कुछ स्पेशल केसेस ऑफ बॉन्ड एंगल्स देखेंगे जिनको अगर हम वेस्पर थ्योरी से जोड़ें तो वो सही नहीं होंगे. ओके, सो दिस इन केस ऑफ सम मॉलिक्यूल्स वेस्पर थ्योरी कैन नॉट प्रिडिक्ट द बॉन्ड एंगल्स इन द मॉलिक्यूल्स. ओके, सो व्हाट इज दिस थ्योरी बिहाइंड दिस. ओके, सो व्हेन एन एटम विद अ फिल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड टू एन एटम विद इनकम्प्लीट वैलेंस शेल so that the valence shell that can become incomplete by electron shift, there is a tendency for a lone pair of electrons to be partially transferred from the filled to the unfilled shell. क्या कहना चाह रहे हैं हम इसमें? हम इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि दो एटम है. ओके, दो एटम है, मान लीजिए कहीं पर बॉन्डिंग है. अब क्या है कि इस एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, दोनों तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं. तो और अगर ए जो है, इफ ए के पास क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है. इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स अगर इसके पास है तो क्या होगा बच्चों, जो बी का जो लोन पेयर है ये इसको आसानी से डोनेट कर सकता है. तो ये स्पेशल काइंड की बैक बॉन्डिंग कहलाती है और इस बैक बॉन्डिंग की वजह से आप देखेंगे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा यहाँ पर. इसको भी हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे और जैसे ही डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा वैसे ही आप देखेंगे कि बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज. बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. इसको हम केवल वेस्पर थ्योरी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. जहां पर कुछ ऐसे केसेस होंगे अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी वहां पर बॉन्ड एंगल अधिक होना चाहिए लेकिन कम होता है. सो दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस काइंड ऑफ बैक बॉन्डिंग. दीज एग्जांपल्स, आप इन एग्जांपल्स को देखिए. इफ वी गो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, ओके, देन वी विल फाइंड दैट हेयर द सराउंडिंग एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज्ड. This is the Cl is having less electronegativity as compared to this fluorine. So as the electronegativity of this atom increases, the bond angle will decrease. Bond angle क्या हो जाएगा? Decrease हो जाएगा. ये जो है आप देखेंगे Cl2 और H2O के केस में तो बिल्कुल ठीक है. क्यों? क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है. तो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी वहां पर बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा. बट इफ वी सी द एग्जांपल ऑफ दिस OF, ओके, अगर हम OF2 को देखें जहां पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, और हम देखें H2O को, तो अगर हम H2O को देखेंगे यहां पर भी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. तो आप देखेंगे यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री का आया वाटर में और यहां पर जो बॉन्ड एंगल है 103.2 डिग्री आया. तो अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी? एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीजेज द बॉन्ड एंगल विल ऑल्सो डिक्रीज. द केस ऑफ Cl2O एंड H2O. अब आप देखिए किसका केस देखेंगे बच्चों? हम देखेंगे H2O एंड Cl2O का केस. ओके, लेट्स अप्लाई वेस्पर थ्योरी टू बोथ ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स. ओके, नाउ इफ यू सी द Cl2O मॉलिक्यूल, अगेन देर आर टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, एंड इन केस ऑफ H2O ऑल्सो देर आर टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो देर आर टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ
You can see that here the electronegativity of chlorine atoms is higher as compared to these hydrogen atoms. So the bond angle of this Cl2 should be less than that of H2O. Okay, it should be less than, it should be. ये ऐसा होना चाहिए क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है और हाइड्रोजन की कम है. इसका बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए, इसका बॉन्ड एंगल अधिक होना चाहिए. लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो Cl2 का बॉन्ड एंगल है ये है 110 डिग्री, और ये जो बॉन्ड एंगल है ये है 104.5 भी कह सकते हैं. तो ये इतना डिग्री एंगल है. तो ऐसा क्यों है? आप देख सकते हैं कि बॉन्ड एंगल अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी यहाँ कम होना चाहिए और यहाँ अधिक होना चाहिए. बट द डिफरेंस इज ड्यू टू दिस स्पेशल केस ऑफ बॉन्ड एंगल. ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि जब कहीं पर कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो और कहीं पर इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफर होते हैं? कम्प्लीटली फिल्ड से इनकम्प्लीटली फिल्ड जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओर ये ट्रांसफर होते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल. अब आप देखिए क्लोरीन को. क्लोरीन में कितने ऑर्बिटल है? 3s2, 3p6, 3d0. तो अगर हम बात करें कि ये Cl2O बन गया, बनने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर ये कितना फिल्ड हो गया? इनकम्प्लीटली फिल्ड, क्योंकि पांच ऑर्बिटल क्या है? खाली है. और अगर मैं ऑक्सीजन एटम को देखूं तो ऑक्सीजन एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2s2p6. तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये यहाँ पर चार ऑर्बिटल है और 8 इलेक्ट्रॉन्स है. यहाँ पर कितने ऑर्बिटल है? 9 ऑर्बिटल है. और कितने इलेक्ट्रॉन्स है? ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. तो ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है और ये कम्प्लीटली फिल्ड है. तो इसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन की ओर से क्लोरीन की ओर को शिफ्ट होंगे. ये इलेक्ट्रॉन अपने देगा किसको? क्लोरीन को देगा, क्योंकि ये इसमें कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं ऑक्सीजन में, और क्लोरीन में कैसे? इनकम्प्लीटली फिल्ड. तो ये जो बॉन्ड एंगल का स्पेशल केस है वो यही बताता है कि जब कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स टू द इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, सो दैट बैक बॉन्डिंग विल टेक्स प्लेस. एंड इन दिस केस यू कैन फाइंड दैट हेयर इज अ डबल बॉन्ड करेक्टर. यहां पर कैसा करेक्टर आ गया बच्चों? डबल बॉन्ड करेक्टर. तो ये डबल बॉन्ड करेक्टर यहां पर भी हो सकता है या यहां पर भी हो सकता है. सो ड्यू टू डबल बॉन्ड करेक्टर द बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज. क्योंकि आपने पढ़ा वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ये जो बॉन्ड एंगल है जहां पर भी डबल बॉन्ड होता है बॉन्ड एंगल क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है. तो इसी तरीके से यहां पर भी क्या होता है? बैक बॉन्डिंग होती है. ड्यू टू दिस बॉन्डिंग दिस बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज एंड दिस विल डिक्रीज. सो हेयर वी कैन नॉट एक्सप्लेन सिंपली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बट वी हैव टू सी द इनकम्प्लीटली एंड कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑल्सो, सो दैट वी कैन एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ बॉन्ड एंगल्स. Now, on the basis of this back bonding, we can also suggest the acidic behavior of these boron trihalides. बोरोन ट्राइहेलाइट्स की हम एसिडिक बिहेवियर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बैक बॉन्डिंग. तो अब आप देखिए ये बोरोन है. बोरोन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बन गया, ये बॉन्ड बन चुका, तो 2s2p4 हो जाएगा. तो यहां पर एक जो पी ऑर्बिटल है वो क्या है? एम्प्टी है. तो यहां पर एक पी ऑर्बिटल कैसा है? एम्प्टी. ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल है. तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लेने की. तो इसलिए बोरोन के जो कंपाउंड हैं वो क्या होते हैं? जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. दे आर एसिडिक इन नेचर. ओके, अब आप देखिए ये तो एम्प्टी है. और फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2s2p6. यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2s2p5. जब बॉन्ड बन गया तो कैसा हो गया? 2s2p6. तो ये कम्प्लीटली फिल्ड हो गया एंड बोरोन इज इनकम्प्लीटली फिल्ड. तो आप ये देखेंगे कि ये जो फ्लोरीन है इसका जो ऑर्बिटल है, देखिए ये है कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल. ये ऑर्बिटल कैसा है? कम्प्लीटली फिल्ड. तो अब आप देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली फिल्ड है और ये एम्प्टी है. तो ये क्या होगा? यहां पर ये आप देख सकते हैं कि ये जो कम्प्लीटली फिल्ड है फ्लोरीन का, ये इसकी बोरोन के एम्प्टी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. दस इट इज क्रिएटिंग द डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक.
ओके, तो बोरोन पर जो डेफिशिएंसी थी उसको ये कम कर देगा इलेक्ट्रॉन देकर. सो इन दिस वे द डेफिशिएंसी ऑन द बोरोन इट डिक्रीजेस ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग. बैक बॉन्डिंग की वजह से ऐसा हुआ. ये जो ऑर्बिटल है ये 2p ऑर्बिटल है और ये जो ऑर्बिटल है ये भी 2p ऑर्बिटल है. अब हम इन दोनों में से किसी एक एग्जाम्पल को लेते हैं. हम ले लेते हैं आई को. तो आई के केस में क्या होगा, अगेन बोरोन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा ओके, और इसके अलावा जो आई होगा उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर सकता है. बट यहां पर क्या दिक्कत है कि जो बोरोन का जो पी ऑर्बिटल एम्प्टी है वो है 2p ऑर्बिटल और जो आई का जो ऑर्बिटल भरा हुआ है वो है 5p ऑर्बिटल. तो आप देख सकते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ दीज 2p ऑर्बिटल्स सो दैट द ओवरलैपिंग विल बिकम वीक. यहां पर ओवरलैपिंग बड़ी कठिन है. इस कठिन ओवरलैपिंग की वजह से जो आई है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर डोनेट नहीं कर पाएगा. तो जैसे जैसे आप देखेंगे ये साइज बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर जो इसकी है वो कम हो जाएगी ड्यू टू पुअर ओवरलैप, क्योंकि यहां पर जो एनर्जी डिफरेंस है दो ऑर्बिटल्स का वो काफी अधिक है. तो इस पुअर ओवरलैप की वजह से ये क्या होगा, ये जो जो करेक्टरिस्टिक है यानी यहां से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे वो कम हो जाएगा. तो जब बोरोन पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज. यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी जबकि यहां पर जो बोरोन सेंटर है यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, क्योंकि यहां पर बैक बॉन्डिंग क्या है, आसान है ओके. तो अब आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. अगर हम इनको आपस में कंपेयर करेंगे तो वैसे बोरोन की जो स्पीशीज है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बट इफ वी कंपेयर दीज हैलाइड्स देन वी विल फाइंड दैट दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट व्हाइल दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट. सो दैट ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इट इज लुईस एसिड. तो ये क्या है, एक लुईस एसिड, अच्छा लुईस एसिड होगा अगर हम ये कहेंगे कि इन तीनों में सबसे अच्छा लुईस एसिड कौन है, तो वो कौन है Bi3, देन कौन है BBr3 या BCl3 एंड देन BF3. BF3 सबसे वीक लुईस एसिड है. क्यों, क्योंकि यहां पर जो F है, F का जो ऑर्बिटल जो इसके साथ ओवरलैप कर रहा है उन दोनों की एनर्जी लगभग बराबर है. सो दैट दिस कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ दिस F इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू द इनकम्प्लीटली और एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ दिस बोरोन, वाइल इन केस ऑफ आयरन द ओवरलैपिंग बिटवीन 5p ऑर्बिटल ऑफ I एंड 2p ऑर्बिटल ऑफ boron it is not easy okay. So the donation of electron from I to B will become less effective and so the Bi3 will become more acidic in nature. तो हम देखिए acidic behavior को बता पा रहे हैं back bonding की help से कि क्यों Bi3 अधिक acidic है और BF3 कम acidic होता है. I am concluding the lecture and by concluding the lecture I will suggest to you that three more rules we had discussed, they can easily predict the geometry of the covalently bonded molecules okay. So the third rule is dependent on the electronegativity behavior. So this is related to the electronegative behavior of the surrounding atoms. So if the electronegativity of surrounding atoms increases, the bond angle will decrease. The other example is the electronegativity of central atom. So as the electronegativity of central atom increases, the bond angle will also increase. तो जैसे जैसे electronegativity surrounding atoms की बढ़ेगी तो bond angle कम होगा और अगर वो central atom की बढ़ेगी तो bond angle increase होगा okay. उसके बाद हमने पढ़ा rule 4 जहां पर हमने पढ़ा कि the multiple bond ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड द बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज. जहां पर भी बॉन्ड एंगल होगा वो बिल्कुल किसकी तरह एक्ट करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह एक्ट करेगा. सो दैट मोर रिपल्शन विल बी देयर एंड सो द बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज. जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर 120 बॉन्ड एंगल होना चाहिए था लेकिन यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो जाता है 126 ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड. फिर आपने देखा कि यहां पर जो
जो डबल बॉन्ड है उसको हम ठीक किस पोजीशन पर रख सकते हैं, जहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, बिकॉज बोथ आर हैविंग द सिमिलर काइंड ऑफ रिपल्शन बिहेवियर, दोनों का रिपल्शन बिहेवियर सिमिलर है, दोनों को अधिक स्पेस चाहिए, तो जो ऑक्सीजन है वो उसकी स्पेस ले सकता है, उसकी जगह ले सकता है, बिल्कुल एक सी जगह चाहिए दोनों को। तो जब दोनों को एक सी जगह चाहिए तो दोनों एक दूसरे का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, सो हम आसानी से HCEO3F2 का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर आपने देखा कि ये जो स्पीसीज है ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए जो ऑक्सीजन एटम है डबल बॉन्डेड यानी डबल बॉन्ड एंड जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट साइड में है। क्यों? क्योंकि यहां पर रिपल्शन जो है वो मिनिमम होगा, दोनों एक ही तरह एक्ट करते हैं, तो इसलिए वो एक दूसरे के अपोजिट हमेशा क्या होंगे, अरेंज होंगे। देन आपने रूल 5 पढ़ा, एंड रूल 5 में आपने पढ़ा कि जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वहां पर रिपल्शन अधिक होता है यानी बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, और जहां पर इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वहां पर रिपल्शन कम होगा, सो दैट द बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज। ओके, फिर हमने कुछ लिमिटेशंस पढ़ी वेस्पर थ्योरी की, देन वी हैड डिस्कस्ड स्पेशल केसेस ऑफ बॉन्ड एंगल्स, और जहां पर हमने देखा कि वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम नहीं बता पाए, और यहां पर हमने देखा कि अगर कहीं पर देखिए क्लोरीन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है बट इसका बॉन्ड एंगल अधिक है जिसको कम होना चाहिए था, तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक बॉन्डिंग, क्योंकि यहां पर क्लोरीन के जो ऑर्बिटल्स थे वो एम्प्टी थे और यहां पर ऑक्सीजन के पास क्या थे, भरे हुए ऑर्बिटल थे, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, सो दैट इट बिकम डबल बॉन्ड इन नेचर, सो द बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक नाउ इट इज वेरी क्लियर टू यू हाउ टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड्स। जो डबल बॉन्ड है वो ज्योमेट्री को अफेक्ट नहीं करता, ज्योमेट्री तो वही रहती है बट बॉन्ड एंगल चेंज हो जाते हैं। ओके, तो कैसे डबल बॉन्ड्स दे अफेक्ट द बॉन्ड एंगल्स, एंड हाउ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अफेक्ट द शेप्स एंड द बॉन्ड एंगल्स, एंड देन इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट ऑफ कोर्स, देन द इफेक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे अफेक्ट करता है, एंड यू हैड सीन दैट ऑल दीज फैक्टर्स दे अफेक्ट द ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल ऑफ द मॉलिक्यूल्स, सो दिस वेस्पर थ्योरी इज वेरी हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग the geometry of various molecules which sometimes cannot be predicted with the help of valence bond theory alone, so it requires both the knowledge of valence bond theory as well as the knowledge of hybridization, so if we have the knowledge of both then we can explain the geometry of any kind of inorganic molecules. Okay, so thank you very much. In the next lecture, we will discuss about the D pi and P pi bonding. Okay, so thank you very much again. Okay, bachcho.